स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। रेल मंत्री के रूप में पीयूष गोयल का रिकॉर्ड, उनसे पहले रेल मंत्री रहे भाजपा के दो दिग्गज नेताओं सुरेश प्रभु और डीवी सदानंद गौड़ा के मुकाबले अच्छा नहीं रहा है। ऊपर से कांग्रेस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार भी दिया। पीयूष गोयल पर मोदी का भरोसा कितना है, इसका पता सिर्फ इतने से नहीं चलता है। सोमवार को देर शाम उनको वित्त व कंपनी मामलों का प्रभार दिया गया और उससे पहले उनको कर्नाटक में चुनाव बाद की स्थिति संभालने के काम में भी लगा दिया गया था। ध्यान रहे, पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी कोषाध्यक्ष भी हैं। वे संभवतः इकलौते नेता हैं जो संगठन और सरकार दोनों में काम संभाल रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने एक अतिरिक्त सीट जीतने का दाव चला तो उसके प्रबंधन के लिए भी पीयूष गोयल को ही लखनऊ भेजा गया था। बहरहाल चार मंत्रालय और पार्टी कोषाध्यक्ष का पद संभालने के बावजूद गोयल के पास इतना समय है कि वे राज्यों में भी राजनीतिक प्रबंधन के काम में लगाए जाते हैं। उन पर मोदी का यह भरोसा भाजपा में अनेक नेताओं के लिए ईर्ष्या का कारण है तो साथ ही यह भी चर्चा है कि मोदी और शाह के पास योग्य और भरोसे के लोगों की कमी है, इसलिए गिने चुने नेताओं से ही सारे काम कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक जीत गई, पर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार का भाजपा के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। कर्नाटक का चुनाव खत्म होने के बाद उन राज्यों में चुनाव होने हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कर्नाटक के नतीजे इस बात का संकेत है कि सरकार चाहे काम जैसा करती हो पर लोगों में बदलाव की चाह है। लोग बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बावजूद सत्ता बदल रहे हैं। ध्यान रहे, चुनाव से पहले जितने भी सर्वेक्षण हुए थे उनमें कहीं भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर बहुत नेगेटिव माहौल देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद कांग्रेस हार तो भाजपा के लिए बड़ा संकेत है क्योंकि अब उसके शासन वाले राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर हर जगह मतदाताओं ने बदलाव को प्राथमिकता दी है। कुल मिलाकर पिछले दो साल में 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिनमें से सिर्फ तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी जीत सकी थी। बाकी 13 राज्यों में लोगों ने सत्ता पलट दी। सो कहा जा सकता है कि कर्नाटक के नतीजे भाजपा की राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार के लिए भी एक बड़ा संदेश देने वाला है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों का कांग्रेस के लिए जो मैसेज है वह तो है ही, पर क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी बड़ा मैसेज है। जेडीएस के पिछले चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सारे चुनाव पूर्व और चुनाव बाद के सर्वेक्षणों में जेडीएस को नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा था। इसके अलावा एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा रहा था कि नुकसान के बावजूद जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है, पर सर्वेक्षणों के दोनों अनुमान गलत हो गए। जेडीएस ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया पर न तो वो किंग बन सकी और न किंग मेकर। उसके अकेले लड़ने से पिछली बार कांग्रेस को फायदा हुआ था और इस बार भाजपा को फायदा हो गया। यह कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि जेडीएस बसपा के तालमेल और इसे मिले एमआईएम के समर्थन ने कांग्रेस को चुनाव हरा दिया। बेंगलुरु और मैसूर के चुनाव नतीजों में इसकी झलक मिलती है। सो देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए इस नतीजे का दो तरह से मैसेज निकलता है। पहला मैसेज तो भाजपा के अजय होने का है। यह कर्नाटक से स्थापित हुआ है कि भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो इस वजह से देश भर की पार्टियों को सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा मैसेज यह है कि अगर कांग्रेस और जेडीएस मिलकर लड़े होते या बसपा ने जेडीएस से तालमेल नहीं किया होता तो शायद कर्नाटक में ऐसे नतीजे नहीं आते। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी और बेहद अहम है। कई कारणों से इस जीत का खास महत्व है। इसे दक्षिण भारत में भाजपा के प्रवेश करने और पैर जमाने का रास्ता बनता है। अब वो इतने ही आक्रामक अंदाज में पड़ोसी राज्यों खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी। भाजपा को चुनाव जीतने का रामबाण फॉर्मूला मिल गया है। वो फॉर्मूला प्रचार और रणनीति का है। प्रचार में कोई भी पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती है और रणनीति में कोई उससे आगे नहीं जा सकती है। ये भाजपा की रणनीति है कि उसने भ्रष्टाचार से लड़ाई का राग गाते गाते बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं और उनके आधा दर्जन करीबियों को चुनाव में उतार दिया और अपने प्रचार की ताकत से इसका मुद्दा नहीं बनने दिया। भाजपा के प्रचार और रणनीति दोनों का अंदाजा रेड्डी बंधुओं वाले मामले से लगाया जा सकता है। भाजपा की हर राज्य में रणनीति ये रही है कि जीतने वाला उम्मीदवार उतारना है चाहे वो कैसा भी हो। तभी भाजपा ने पिछले चुनाव से सबक लेकर बी एस येदुरप्पा की पार्टी का भाजपा में विलय कराया और बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं को पार्टी मिलाकर उनको चुनाव लड़ाया। उनके करीबी बी श्रीरामुलु को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। उसकी रणनीति कारगर साबित हुई और भारत को दक्षिण में विस्तार का रास्ता मिला।
कर्नाटक में कांग्रेस की निर्णायक हार हुई है। उसने आधी से ज्यादा सीटें गंवा दी हैं। लोकसभा चुनाव में भी उसने जैसा प्रदर्शन किया था उससे भी खराब प्रदर्शन इस चुनाव में हुआ। अगर ये चुनाव भाजपा के प्रचार और रणनीति की जीत है तो कांग्रेस की रणनीति की बुरी हार है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत राज्य का मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम सिद्धरमैया होने दिया था। हालांकि बाद में सिद्धरमैया ने सफाई दी थी कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि येदुरप्पा से है, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने सिद्धरमैया को इतनी ज्यादा तरजीह दी कि मुकाबला अपने आप मोदी बनाम सिद्धरमैया हुआ। कांग्रेस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा क्योंकि आम लोगों में अभी नरेंद्र मोदी का जादू कायम। चुनाव नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि राज्य के लोगों ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट किया है। प्रचार के मामले में भी कांग्रेस सरकार में होने के बावजूद फिसड्डी रही। वो न तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना सकी और न राज्य सरकार पर लगे आरोपों का जवाब दे सकी और न ही 5 साल के कामकाज का आक्रामक प्रचार कर सकी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चुनाव को बहुत ज्यादा स्थानीय रूप दे दिया था। उन्होंने इसे पूरी तरह से कन्नड़ अस्मिता के साथ जोड़ा था। पहले ऐसा लग रहा था कि उनका ये दांव कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह हिंदी विरोध का उनका दांव भी पहले कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, पर ये दोनों दांव उल्टे पड़े हैं। इस खेल में सिद्धरमैया के गुरु एच डी देवगौड़ा ज्यादा सफल साबित हुए। कर्नाटक के मतदाताओं ने सोचा कि अगर स्थानीय अस्मिता के मुद्दे पर वोट डालना है तो क्यों न धरती पुत्र को वोट दें। तभी तमाम नेगेटिव प्रचार के बावजूद देवगौड़ा की पार्टी अपना आधार बचाने में कामयाब रही। इसी तरह सिद्धरमैया ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने का एक दांव चला था। इस दांव से भाजपा परेशानी में दिखी थी, पर यह दांव भी उल्टा पड़ा। इसकी दोहरी मार पड़ी कांग्रेस पर। लिंगायत को बांटने के दांव को लिंगायत समुदाय ने ही कबूल नहीं किया और उसने भाजपा को वोट किया। इसके अलावा व्यापक हिंदू समाज में भी ये मैसेज गया कि कांग्रेस हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, तो वहां भी कांग्रेस को नुकसान हो गया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत से देश की राजनीति की दशा दिशा तय होगी। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आगे भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी की संभावना भी अब पहले से ज्यादा हो गई है। कांग्रेस और जेडीएस का साझा वोट भाजपा से बहुत ज्यादा है, यानी अगर कांग्रेस और जेडीएस लड़ते तो भाजपा को रोका जा सकता था। ये मैसेज कर्नाटक से पूरे देश में जाएगा। अब क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा से लड़ने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करेंगी। कांग्रेस की ओर से उनका रुझान बढ़ सकता है, पर राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस व क्षेत्रीय पार्टियों के लिए चिंता का कारण रहेगा। धर्म और अस्मिता की राजनीति पर भी नए सिरे से विचार होगा। चुनाव के एजेंडे भी नए तरीके से परिभाषित होंगे। कर्नाटक ने साबित किया है कि वो पारंपरिक रूप से चुनाव में जो मुद्दे होते थे अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। महंगाई का मुद्दा लोगों के लिए उतना बड़ा नहीं है और न रोजगार का मुद्दा लोगों के लिए बहुत अहम रह गया है। इस लिहाज से कर्नाटक का चुनाव कई चीजों को परिभाषित करने वाला रहा है। कर्नाटक से जो संदेश निकले हैं उनकी परीक्षा अब 6 महीने बाद 3 राज्यों के चुनाव में होगी। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।